नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सर आज बच्चों नाउन के आगे की प्रोसीजर को लाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पिछले दिनों जो हम नाउन के कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहे थे, आज नाउन के कुछ रूल्स प्लस आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार जुड़ जाइए फटाफट। वेरी गुड, जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए देखते हैं नाउन के हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट्स को लिया था दोस्तों। अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट्स को देखें तो मैंने आपको बताया था कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर और क्या होते हैं? प्लूरल। जैसे ऑक्स का प्लूरल था ऑक्सन, और एक हमने आपको बताया था माउस, माउस का प्लूरल था दोस्तों क्या? माइस। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा। रेडियस का रेडी। इरेटा, इरेटा। चलिए ऑक्स, ऑक्स मींस होता है बच्चों बैल, और इसका प्लूरल होता है बच्चों ऑक्सेस, नहीं होता ऑक्सन होता है। माउस मींस होता है बेटा चूहा, चूहे। मेमोरेंडम, नॉर्मली देखा बच्चों मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन, क्या होता है? ज्ञापन। और इसका प्लूरल बच्चों मेमोरेंडा। रेडियस हमने बताया था, रेडियस होता त्रिज्या, त्रिज्याएं। इरेटम त्रुटि पत्र, इरेटा। आज हम कुछ रूल्स कराने वाले हैं आपको, क्या आप तैयार हैं? राधे राधे बच्चों, शाबाश। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको आप शेयर कीजिए। आइए हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। जैसे हम कुछ रूल की बात करते हैं, पहले हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा? द पुलिस हैज अरेस्टेड द क्रिमिनल। कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको मैंने दो क्वेश्चन दिया और आप बताइए सही है या गलत है, राइट और रॉन्ग, फटाफट बताएं हमें। और अगर राइट है तो सही है, गलत है तो क्या गलत है? शाबाश दोस्तों, शाबाश। रॉन्ग, रॉन्ग बेटा। बेटा पहले सेंटेंस की बात करें बच्चों, पुलिस से सही है, पुलिस होना चाहिए। अब सही हो गया, कैटल से कैटल, क्या है सेंटेंस? अब सही हो गया बच्चों। इट्स राइट और रॉन्ग? हिमानी गोयल, एस। बेटा सेंटेंस सही हुआ या नहीं, थोड़ा समझते हैं। बेटा कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में तो आपको सिंगुलर नजर आते हैं, जैसे कैटल, पुलिस, पीपल, जेंट्री, पीसेंट्री,
क्लर्जी, कैवेलरी एटसेट्रा। पढ़ लीजिए एक बार, कैटल, पुलिस, पीपल, जेंट्री, पीसेंट्री, क्लर्जी, कैवेलरी। इनके थोड़ा मतलब बता दिया आपको। कैटल मीन्स होता है बेटा मवेशी। कैटल में क्या हो रहा है, पुलिस का मतलब आपको पता है पुलिस होता है। पीपल मीन्स होता है लोग। जेंट्री मीन्स होता है कुलीन लोग। थोड़ा कंट्रास्ट कलर लेते हैं, कुलीन लोग। ये भी कलर थोड़ा कम सही लग रहा है। पीसेंट्री मीन्स होता है कृषक वर्ग। ये सही वर्ग। क्लर्जी मीन्स होता है पादरी वर्ग, जो चर्चेज वगैरह में होते हैं। कैवेलरी में होता है घुड़सवार सेना। एक बड़ा और लिखना चाहे लिख सकते हैं, इन्फेंट्री। पैदल सेना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ लिख लीजिए बच्चों, कैटल, पोलिस, पीपल, जेंट्री, पीसेंट्री, क्लर्जी, कैवेलरी। दिख रहा है आपको? अगर मैं बात करूं इनकी, इनके साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग नहीं करते? एस या ई एस का। और ये सदा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्लूरल। अब यहां हम हैज नहीं लगाएंगे, हैव। यहां इज नहीं होगा दोस्त, क्या होगा? आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर नहीं आ रहा है आप लोगों का। आंसर दीजिए दोस्तों। अब ये संज्ञा सही हुई या नहीं, ये समझ में आया नहीं, थम इंप्रेशन देखना चाहता हूं मैं। एक बच्चे ने कहा वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। शाबाश। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़िए एक बार जोर से। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। इस सेंटेंस देखिए बच्चों, आपको देखना है इसमें किसमें मिस्टेक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है इसमें क्या मिस्टेक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए बच्चों। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में समझाना प्रयास करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है, टू डिस्कस एनीथिंग, कि हम कोई चीज डिस्कस कर सकें विद हर उसके साथ, बिकॉज क्योंकि ऑफ हर एग्री, उसकी नाराजगी की वजह से। आपको बताना है ए में मिस्टेक है, बी में, सी में या डी में। फटाफट आंसर आना चाहिए दोस्तों। ए बी सी या डी। आंसर बहुत ही स्लो चल रहा है आज।
आंसर बहुत ही स्लो चल रहा है दोस्तों। सी सी शैलिशी हिमानी गोयल हर एंग्री। हाँ दोस्तों ध्यान रखिए बच्चों, एंग्री एंग्री एक एडजेक्टिव है और यहां हर लगा है, एक एडजेक्टिव पहले से लगा हुआ है, तो हर एंगर होना चाहिए, एंगर उसकी नाराजगी से। अब यहां एंगर की बात करें तो किस में आ रहा है, सी में। जिन जिन बच्चों ने सी दिया होगा, एसएससी एमटीएस क्वेश्चन है 2019, बेहतरीन क्वेश्चन है, शाबाश। माधुरी पाल भी ना बेटा, साइली बिल्कुल सही, हिमानी सही। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पढ़िए इसको। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, कभी कभी या दूर है, दूर बीच में है। माई विजिटिंग, अब देखिए बच्चों यहां आपको पकड़ में आ गया होगा, लेकिन आप बताइए कहां गलती लग रही है। बहुत बढ़िया, माई विज माधुरी पाल ने कहा वी फ्यू एंड फॉर बिटवीन। आंसर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ नहीं रहा है अभी तक, बहुत ही स्लो चल रहा है। सी सी चलिए दोस्तों क्या हो सकता है देख सकते हैं, कह रहा है माई विजिटिंग नहीं बच्चों, विजिटिंग यहां जबरदस्ती का बच्चों आईएनजी फॉर्म जीरन बना रहे हैं। माई विजिट्स विजिट्स क्यों करें, क्योंकि यहां आर लगा हुआ है, इसका गलती है कि सी माई विजिट्स टू माई फैमिली। ये आसान क्वेश्चन था एमटीएस का 19 शिफ्ट थर्ड का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पढ़िए। प्लेटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन द अर्थ। प्लेटिनम आप जानते होंगे बच्चों दुनिया की सबसे कठोर धातु की बात करें, कठोर धातु, पहले हम जानते थे हीरा, हीरा धातु नहीं दोस्तों अधातु है, तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है और कठोर के साथ साथ ये कॉस्टलियर भी है, अन्य दूसरी धातुओं की तुलना में प्लेटिनम कठोर धातु है। इसमें आपको बताना है गलती कहां है। बहुत बढ़िया, देखा जाए तो ये दोस्तों एक डिग्री का क्वेश्चन है, कंपेरेटिव डिग्री का, एमटीएस से पूछा गया था। आंसर आ नहीं रहा है, आज लग रहा है आप थके हो, दो दिन का रेस्ट क्या मिला, और ज्यादा ज्यादा बच्चे जुड़ भी नहीं पा रहे। शैली ए, हिमांशी गोयल सी, बहुत बढ़िया। और बच्चों फटाफट दीजिए आंसर, चलिए मैं बता देता हूं, ध्यान रखिए अगर कभी भी ए नहीं आ जाए, एनी के साथ अदर आ जाए, उसके बाद जो नाउन होता है वो सदा सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर। यहां एनी अदर मेटल्स नहीं बल्कि क्या होगा, मेटल होगा, और ये गलती थी डी में, और कोई बच्चे का सही नहीं है, किसी बच्चे का डी आंसर सही नहीं है, ए ऑप्शन बेटा साइली नहीं होगा। मतलब 23 का एनी कॉस्टलियर होता है बच्चों, कॉस्टली कॉस्टली कॉस्टलीस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा देखिए बच्चों। आफ्टर ए हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। आफ्टर ए हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, ए में गलती, बी में, सी में या डी में, फटाफट
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, आफ्टर ए हीटेड गर्मा गर्म बहस आर्ग्यूमेंट, गर्मा गर्म बहस के बाद दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव, गर्मा गर्म बहस के बाद वे अपने मुख्य प्लेस पर चले गए। सी, सॉरी सर, सी सॉरी, सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों। हाँ, प्लेस से होना चाहिए बच्चों, अपने अपने स्थान पर चले गए, क्योंकि दे है क्या है और देयर लगा हुआ है, ये सेंस बता रहा है। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ये उत्तर जैसे सी दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 24 का सी। हिमानी गोयल, बिल्कुल सही बेटा। आज आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर पा रहे हो, संख्या काफी कम है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, पढ़िए। दिस कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट। दिस कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मतलब पड़ोस के मार्केट में। बताइए दोस्तों फटाफट। कौन सा बच्चा बताएगा? बहुत बढ़िया, सी शी, एनी ऑफ द, हाँ दोस्तों शॉप्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया उत्तर। किसी भी अन्य दुकानों पर ऐसी कॉफी नहीं मिलेगी, इसका 25 पे जिन बच्चों ने सी बताया है, इट इज द राइट आंसर। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, 2019 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ, बहुत अच्छा। एनी ऑफ द शॉप, अगर एनी के साथ यहां अदर लगा होता तब यहाँ शॉप सही हो जाता, लेकिन एनी के साथ अदर नहीं लगा है, इट मीन्स यहाँ शॉप्स होना चाहिए। जिन बच्चों ने शी बताया, बिल्कुल सही उत्तर दिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसको पढ़िए। इट इज गुड, इट्स अ गुड, इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन ए कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन ए कंपनी बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। एमटीएस का क्वेश्चन 2019। बताए दोस्तों कहां गलती है? बताए फटाफट, पकड़ लिया होगा, हमने हल्का हिंट भी दे दिया था स्टार्टिंग में, हल्का मेरा हिंट भी चला गया था। उत्तर आ नहीं रहा है दोस्तों, चले देखते हैं। अरे बच्चों यहां लिखिए इट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? इट्स, यहां लिखा है इट्स, इट्स का ये है पजेसिव डिग्री दिखा रहा है, जबकि इट इज होना चाहिए इट्स ए गुड आइडिया। गलती किसमें थी? बी में, बी फॉर बॉल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों फटाफट, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, लाजवाब सेशन। द सेंसेस, द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंट senses gift to us. The sense of sight is one of the most important senses gift to us. देखते हैं कौन बच्चा बताता है इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है,
आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, वन ऑफ द। कभी भी दोस्तों अगर आपको वन ऑफ द मिल जाए, क्या मिल जाए, वन ऑफ द, तो इसके बाद जो नाउन आएगा क्या आएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, गिफ्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिफ्ट्स टू अस, इंपॉर्टेंट, गिफ्ट्स टू अस। किसी बच्चे का उत्तर आया सायली का सी। हाँ बेटा बिल्कुल सही, 27 का सी, 27 का क्या होगा दोस्तों, सी। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सम पीपल लूज देयर आई साइट्स बिकॉज ऑफ ए डिसीज और इंजरी। कुछ लोग अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं क्योंकि ये एक बीमारी है और अथवा से इंजरी से। इसका उत्तर देखते कौन देता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताइए। सम पीपल, कुछ लोग लूज देयर आई साइट्स, बच्चों साइट, आई साइट मतलब क्या, दृश्य, दृश्यता, अपनी आंखों की रोशनी जिसको कहते हैं, रोशनी या नहीं होता, रोशनी। कुछ लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं किसकी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या इंजरी की, चोट लगने की वजह से, किसी बीमारी या इंजरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज उत्तर मजेदार नहीं आ रहा है दोस्तों, लग रहा है आज आपको इंटरेस्ट कम है। एसएससी जीडी क्वेश्चन है 19 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, एनिमल्स एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ लव एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम डिफिकल्टीज एज ह्यूमन टच। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एनिमल्स एक्सपीरियंस, एनिमल्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं, फीलिंग ऑफ लव, जो प्यार को फील कर पाते हैं, एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट, और ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, देयर यंग वंस, अपने बच्चों को, फ्रॉम डिफिकल्टी, समस्याओं से, एज ह्यूमन डज, जैसा कि मनुष्य करते हैं। अर्थात जानवर भी अपने बच्चों का देखभाल या बचाव ऐसे ही करते हैं जैसे एक ह्यूमन बींग करते हैं। टेल मी प्लीज, डी डी चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है, बस एक बार समझिएगा। एनिमल्स एक्सपीरियंस, जो जानवरों के अनुभव हैं, एक्सपीरियंस फीलिंग्स, फीलिंग कर दो बच्चों, फीलिंग्स नहीं, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग, क्योंकि इसको प्लूरल नहीं बना सकते ना, लव फील, इनको प्लूरल नहीं बच्चों, फील, फीलिंग ऑफ लव एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट, अर्थात गलती कहां थी, दे में, फीलिंग होगा, फीलिंग ऑफ लव। एसएससी जीडी क्वेश्चन है 2019, सेकंड शिफ्ट का, जीडी का क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। आज बच्चे लग रहा है बहुत थके हुए हैं, 2 दिन के रेस्ट के बाद मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, कितना छोटा क्वेश्चन है, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, टू बी सेड, देयर इज फ्यू ऑन बोथ साइड्स, नो एरर। इतना छोटा क्वेश्चन एमटीएस का ही है, 19 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, इससे आसान क्वेश्चन क्या कहें हम, इससे आसान क्वेश्चन क्या कहें हम। देयर इज फ्यू टू बी सेड
चलिए थोड़ा आपको समझाते हैं इसको। ध्यान रखिए, अगर देखिए थोड़ा सा तो हमें एक चीज पता है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू द फ्यू। एक बार बच्चों इन तीनों को कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला क्या है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, इधर क्या है, फ्यू अ फ्यू और द फ्यू। अगर हम दोनों में थोड़ा फर्क समझे तो इन दोनों का मतलब होता है नथिंग, ना के बराबर। इन दोनों का मतलब होता है बेटा समथिंग, थोड़ा, और इनमें होता थोड़ा परंतु जितना था पूरा का पूरा, थोड़ा परंतु जितना था पूरा का पूरा। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें, कह रहा है देयर इज, अगर हम फ्यू की बात करें तो ना के बराबर है। वैसे भी ये कुछ कहने की जो बातें होती हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल के लिए और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। तो यहां होना चाहिए देयर इज लिटिल, या तो आप लिटिल लगा दीजिए या तो आप ए लिटिल लगा दीजिए, चाहे आप यहां लिटिल कर दीजिए या ए लिटिल, देयर इज अ लिटिल। तो यहां फ्यू का प्रयोग जहां नहीं होगा लिटिल होना चाहिए। गलती बी में है, किसमें दोस्तों, बी में है, 30th का सी, 30th का क्या लगा बेटा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वाह वेरी गुड, इसको देखिए बच्चों क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू बी सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब ये अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें जरूरत है कि जो उन्होंने अंडरलाइन जो किया है ब्रैकेट में जो दिया है, इसके लिए उन्होंने तीन ऑप्शंस दिए हैं और एक ऑप्शन दिया है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो ठीक है, अदरवाइज आप कहेंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द योरुबा वाज वन ऑफ द, आ गया ना, वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर। अब आपके पास ऑप्शन देखिए सब कितने का, कह रहा है वन ऑफ ए बेस्ट, नहीं बच्चों वन ऑफ के साथ ए नहीं लगता, वन ऑफ द वेस्ट, ये भी गलत हो गया। अगर वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर्स, हाँ बहुत बढ़िया। क्या ये सेंटेंस सही है या गड़बड़ है, एमटीएस का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले साल का क्वेश्चन है। तो यहां हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कभी भी वन ऑफ द आ जाए, क्या जाए, तो आप नाउन प्लूरल ढूंढिए, यहां कल्चर्स है, क्या है इसका मतलब, इसका उत्तर आएगा डी फॉर डंकी। डी फॉर क्या बेटा, डंकी, हिमानी गोयल, बहुत बढ़िया बेटा, डी 31 का डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए और देखिए। ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन उन्होंने कर दिया सम पैसेंजर्स। अब देखिए आपको ज्यादा छांटना नहीं, बस यही देखना है, मिसप्लेस्ड देयर लगेजेज बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन। आप हमको बताएंगे बैग एंड बैगेज, लगेज और बैग्स, इन तीनों में अंतर बताएंगे, बैग एंड बैगेज, लगेज और बैग्स, इनमें कुछ अंतर बता सकते हैं आप। चलिए
बैग एंड बैगेज का मैं मतलब बताता हूँ। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है बोरिया बिस्तर के साथ। मान लीजिए आप यहाँ प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया और आपको मिल गया, मान लेते हैं आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया या कहीं मिल गया, सीतापुर मिल गया, सुल्तानपुर मिल गया, गाजीपुर मिल गया, वाराणसी मिल गया, लखनऊ मिल गया, कानपुर मिल गया, एनी हाउ। तो जब आप प्रयागराज से जाएंगे तो क्या आप लगेज लेके जाएंगे या बैग एंड बैगेज लेके जाएंगे? जब आप पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर के साथ जाते हैं तो हम कहते हैं बैग एंड बैगेज। लेकिन अगर आप यात्रा के समय कोई यात्रा जो अपना लेके जाते हैं बैग झोला बोरी, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा? लगेज। क्या कहलाता है? लगेज। और बैग, बैग्स का प्लूरल बैग, बैग प्लूरल है किसका? बैग्स का। देयर आर मेनी बैग्स, देयर आर मेनी बैग्स। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो लगेज जो होता है वो सारे सामानों के कलेक्शन को कहते हैं, तो लगेजेस दिया गया है। अब यहां अगर हम बात करें तो यहां उत्तर क्या आ सकता है? यहां भी उत्तर आपका आएगा डी, 32 का डी। थर्टी टू का क्या होगा? लगेज। हिमानी गोल, बहुत बढ़िया बेटा। लगेज, लगेजेज नहीं होता, क्या था दोस्तों? लगेज। आइए अगले क्वेश्चन तरफ देखिए बच्चों, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट। बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। सी हैज गॉन टू द स्टेशनरी स्टोर टू बाय ए सीजर। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका उत्तर दीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन में क्या बोलूं? हिमानी गोयल ए, बहुत बढ़िया। ए बच्ची का उत्तर आया, हिबानी का ए। और जल्दी बच्चों दो, ये टक्कर का क्वेश्चन है, ये शानदार थोड़ा ब्रेन का क्वेश्चन है। इसमें हम एक रूल भी आपको बताएंगे, सायली डी। एक बच्चे ने ए बताया, एक ने डी बताया, शाबाश। और बच्चों फटाफट, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आना चाहिए आंसर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका एक रूल बता देता हूं, रूल समझिएगा। हमने क्या कहा, कुछ कुछ नाउन जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जो दो पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। कितने पार्ट से बेटा? दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जैसे सीजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, सूज, टंग्स, ट्राउजर्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स एक्सेट्रा। एक बार पढ़िए दोस्तों, क्या है? सभी लोग मिलके पढ़ेंगे। पजामा। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे बहुत बढ़िया बच्चे, हिमानी। चलिए बढ़िया बच्चों, फटाफट जल्दी से फटाफट बताइए। पढ़िए एक बार जोर से, क्या कह रहा है? सीजर्स। क्या कह रहा है बेटा? स्पेक्टेकल्स। आप पढ़िए, मैं सुनाई दे रहा है। पहला सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, सूज, टंग्स, ट्राउजर्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इनके साथ बच्चों सदा एस या ई एस लगता है। क्या लगता है?
ये कभी ये नहीं, सीजर नहीं होता, क्या होता है बच्चों, सीजर्स। अब हम थोड़ा पिछले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, कह रहा है सी हैज गॉन टू द स्टेशनरी स्टोर टू बाई ए सीजर्स होगा बेटा। सीजर्स के पहले एक पेयर ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाई ए पेयर ऑफ सीजर्स। इसका उत्तर आएगा डी, सी एच एस एल का क्वेश्चन है, टायर वन 2023 का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 9 अगस्त 2023 अभी 6 महीने पहले का पेपर है। हाँ बेटा गए लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लिपर्स, चेस, सॉक्स, पिंसर्स, प्लेयर्स, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। लाजवाब बेटा, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सी एच एस एल, ये भी 2023 में 21-3 का है क्वेश्चन, सिर्फ फोर्थ में हुआ है। करा आई डिडेंट हैव टाइम्स टू वॉच द होल मूवी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम टू वॉच होगा, टाइमर टू वॉच हो जाए, टाइम टू वॉचिंग होना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बताए दोस्तों, बताए फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है, शैली का उत्तर है ए, हिमानी का भी बिटिया का है ए। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया चल रहा है। हम बोला था 2-3 बच्चे ही हैं आज, सब रेस्ट पे चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए देखते एक बार। कह रहा था आई डिडेंट हैव टाइम्स, नहीं होता बच्चों टाइम, किस काम के लिए, टाइम टू वॉच, टाइम टू। इसका उत्तर बिल्कुल सही है ए, जिन बच्चों ने दिया बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है नन ऑफ द विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। कोई भी विटनेस्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सका सस्पेक्ट को। नो इंप्रूवमेंट ए बी सी डी। बताइए बच्चों फटाफट, सी एच एस एल क्वेश्चन है, 2023 पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत अच्छा शैली डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा समझिए, समझ में आ जाएगा तभी मजा आएगा। हमने कहा नन ऑफ द, क्या बेटा, नन ऑफ द, नन किसके लिए यूज हो रहा है, दो से ज्यादा के लिए, क्योंकि दो के लिए हम लगाते हैं नाइदर, दो के कहते हैं ना, इधर दो से ज्यादा के लिए, और दो से ज्यादा जब लोग होंगे तो प्लूरल होना चाहिए। तो कह रहा नन ऑफ द विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। अब यहां विटनेस्ड तो क्या बच्चों, यहां विटनेस्ड नहीं, विटनेसेस। इसका उत्तर आया विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई, डी ऑप्शन। जिन भी बच्चों ने 35 का डी दिया होगा बिल्कुल सही उत्तर है, None of the witnesses। आइए चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते। कह रहा है टू बी रेडी फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, झगड़ा, संघर्ष। To be ready for a conflict is one of the most effectual means of preserving harmony। To be ready for a conflict, झगड़े के लिए हर समय तैयार रहिए, is one of the most effectual means of
प्रिजर्व करना, हार्मोनी, हार्मोनी मतलब सौहार्द को प्रिजर्व करने के लिए हर समय हमें तैयार होना चाहिए। अब आपको करना है बच्चों, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑफ, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑफ, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन विद, यहां द हट गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। डी डी एक बार थोड़ा समझते हैं बच्चों, वन ऑफ द, कभी भी वन ऑफ द आ जाए, क्या जाए, वन ऑफ द, तो ध्यान रखे बच्चों यहां होना चाहिए था मीन्स, क्या होना चाहिए बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑफ, इसका उत्तर आना चाहिए सी, सी फॉर कैट। सी एच एस एल क्वेश्चन है बच्चों 2023, लाजवाब क्वेश्चन, मीन्स ऑफ, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड इन स्पेनिश, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड्स इन स्पेनिश, आपको बताना क्या ये सही है या इसकी जगह पे हम ये लगा सकते हैं। ए बी सी डी सी एच एस एल क्वेश्चन है टायर वन, 15/3/2023 का क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ। दैट्स वन ऑफ द, यहां तक तो बिल्कुल सेंटर सही चला, स्ट्रॉन्गेस्ट भी सही है। अब हमें बस देखना है वर्ड्स होना चाहिए, इसका भी उत्तर क्या आना चाहिए सी, इसका क्या उत्तर चाहिए बच्चों सी, हिमानी गोयल बिल्कुल सही बच्चों सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, एक बार देखिए आसान क्वेश्चन है, सी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर, सी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर, अच्छा क्वेश्चन है, हेयर शॉर्ट, हेयरी शॉर्ट, नो इंप्रूवमेंट, हेयर शॉर्टेस्ट, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक लगाया कीजिए, शॉर्टेस्ट वाला कहानी खत्म हो, सुपरलेटिव नहीं बनना है, हेयरी, हेयरी क्या होता है, बढ़िया क्वेश्चन, बताइए इसको उत्तर दिए, अब तो मैंने आपकी थोड़ी मदद भी कर दी। अब तो मैंने आपकी मदद कर दी, इसका उत्तर क्या होना चाहिए ए, क्या होना चाहिए ए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, सीएचएसएल क्वेश्चन था 23 में, ये भी पूछा गया था, 9/2/2023 का क्वेश्चन है बच्चों, मेनी ऑफ द फूड, मेनी ऑफ द फूड, इस तो पकड़ लेंगे अगर आप थोड़ा सा पढ़ने वाले होंगे, मेनी ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट वर्कर्स इज अरेंज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, आपको एक चीज पता होना चाहिए बच्चों, मेनी का प्रयोग हम बताते हैं काउंटेबल के लिए, किसके लिए दोस्तों, काउंटेबल के लिए, और यहां देखिए फूड लिखा गया है, फूड क्या होता है, फूड होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल लिए हम लगाते हैं मच। चलिए इतना हमने आपकी मदद कर दी, इतना हमने आपकी मदद कर दी, चलिए लेकिन मच ऑफ द नहीं लगा है, इसका मतलब यहां जाएगा मोस्ट ऑफ द फूड, क्या चाहिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द फूड, इसका भी उत्तर आएगा सी, मोस्ट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट्स वर्कर्स इन इज अरेंज्ड बाय द क्या बेटा, स्टेट गवर्नमेंट्स। आपने देखा होगा कोरोना डिसीज में बहुत सारे वर्कर्स जो दूर दूर के आ रहे थे, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ये ज्यादा से ज्यादा सहायता करनी थी। स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया था 2021 में, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार जोर से। माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड अप लेट फॉर वर्क्स। एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का। माई कंपनी भरोसा करती है कि कोई भी शुड अप लेट फॉर वर्क, कार्य के लिए लेट नहीं आ सकता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। माई कंपनी, अब जाहिर सी बात है माई कंपनी सब्जेक्ट है, इनके साथ वर्ब की जरूरत है, बिलीव्स नहीं बिलीव्स। इसका उत्तर आएगा बी। माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड अप लेट फॉर वर्क, कोई भी देर से काम पर नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन तरह चलते दोस्तों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन द मेजर सिटीज, ज्यादातर शहरों में कास्ट ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। ये तो पकड़े होंगे आप। कास्ट ऑफ लाइफ आर, द कास्ट ऑफ लिविंग आर, नो इंप्रूवमेंट, द कास्ट ऑफ लिविंग इज। ज्यादातर शहरों में, बड़े शहरों में कास्ट ऑफ लिविंग लाइफ इज वेरी हाई। अब यहां इज लगा है दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया, यहां भी गलत हो गया, बचा कौन सा डी। द इन द मेजर सिटीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। 2019 का क्वेश्चन है, सीपीएसआई का क्वेश्चन है बच्चों, 3 to 5 के टाइम पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ क्या बेटा, लिविंग। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा उत्तर डी आंसर जी जिन बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया। हिमानी गोयल एफ, एफ मतलब बेटा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द सेंटर वुड रिकंसीडर इट्स ड्राफ्ट एंड लिमिट इट्स स्कोप टू जस्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द टू वुमेन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटिव, न्यू रेगुलेटिव, रेगुलेटिव यही गलत मिल गया आपको, रेगुलेटिव नहीं होगा। यहां आप बस ध्यान रखें, रेगुलेशन होता है, कहता है रेगुलेशन, क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक बताया टी आई ओ एन, क्या बताया था टी आई ओ एन, ओ आर अगर हम बात करेंगे तो काम करने वाला, तो ये गलत हो गया, रेगुलेटरी होगा नहीं। बच्चा कौन सा सी, सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों, फेज टू का 2018। इतना आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है कुछ नहीं करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है द सेंटर वुड रिकंसीडर, सेंटर को रिकंसीडर करना चाहिए इट्स ड्राफ्ट, अपने ड्राफ्ट में, एंड लिमिट इट्स स्कोप, अपने स्कोप पे लिमिट लगाना चाहिए टू जस्ट प्रोवाइडिंग, तुरंत जो प्रोवाइड किया जाता है रिलीफ टू वुमेन, महिलाओं को जो रिलीफ आराम दिया रहा है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए, इनके बावजूद क्रिएट करना चाहिए न्यू रेगुलेशन, एक नया रेगुलेशन पारित करना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए, तो रेगुलेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, रेगुलेशन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों, इसको पढ़िए बच्चों, सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल। एन इंटरव्यू आफ्टर द कंपेन एंड्स, एक इंटरव्यू जो हुआ कंपेन के एंड्स में, इज द नॉर्मल फॉर एवरी कैंडिडेट, यह नॉर्मल था सभी कैंडिडेट के लिए, एंड एवरी कंपेनियर इन एवरी इलेक्शन ही सेड, उसने कहा, कौन बताएगा इसको। बताइए फटाफट,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीजल का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं बच्चों। करा एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन एंड्स इज द नॉर्मल, जब जो नॉर्म होता है, इज द नॉर्म फॉर एवरी कंट्री। नॉर्म होता है कंडीशन, रेगुलेशन, नॉर्म्स, अर्थात इसका उत्तर आएगा ए। जिन बच्चों ने ए लगाया होगा उनका सभी के सेंटेंस सही हो गया होगा। ए शैली, ए हिमांशी, सी ए। बहुत बढ़िया उत्तर है बच्चों, बहुत बढ़िया ए। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 44। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द ट्रिब्यूनल नोटेड दैट द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंड ट्रक डिड नॉट लीड एनी एविडेंस इन द रिब्यूटल ऑफ द क्लेम्स। अब आपको बताना है यहाँ ऑफेंड होगा या ऑफेंसिंग होगा, ऑफेंडिंग होगा या ऑफेंस होगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन बच्चों, फेज टू 2018। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए एक बार देख लेते हैं बच्चों। द ट्रिब्यूनल नोटेड, ट्रिब्यूनल नोट करता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, हर चीज के लिए कानून बनाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है कि क्या सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से लागू हो रहा नहीं हो रहा है। नोटेड नोट करता है दैट द ड्राइवर ऑफ द, अब ड्राइवर कौन सा ड्राइवर ना, ऑफेंसिंग, जिसने घटना घटित की। ऑफेंसिंग ट्रक डिड नॉट लीड एनी एविडेंस, कोई एविडेंस साक्ष्य नहीं दे पाया इन द रिब्यूटल ऑफ द क्लेम्स। बताइए इसमें क्या हो सकता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। 44 का बताइए, इसका आएगा बच्चों बी, ऑफेंडिंग, ऑफेंडिंग जीरण का रूप है बच्चों, ऑफ द ऑफेंडिंग ट्रक, ऑफेंडिंग ट्रक, ये जीरण के रूप में यूज हुआ है। इसका सही उत्तर आएगा बी। तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों 2018 का, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये भी सीएचएसएल टायर वन का क्वेश्चन है 2020 का। आई हैड नो इंफॉर्मेशन, ये तो पकड़ लेंगे आप, अबाउट द बैंक स्ट्राइक, मेरे पास कोई सूचना नहीं है किसके बारे में, बैंक स्ट्राइक के बारे में। सो आई वेंट देयर यस्टरडे, इसलिए हम कल वहां जाएंगे। ये तो आप लोग तुरंत ही पकड़ लेंगे। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूं बच्चों, कुछ हमने बताया था, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी हम एस या ईएस का यूज नहीं करते, जैसे इंफॉर्मेशन, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, लगेज। तो ये जो इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है ये तो अपने आप गलत हो गए, और आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है सी। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक, सो आई वेंट टू देयर स्टडी यस्टरडे। इसका सही उत्तर आएगा सी। कितने बच्चों ने सी लगाया, शाबाश, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही बेटा। चलिए आज ये सेशन था आपके लिए, नाउन के कुछ क्वेश्चंस थे, कल नाउन का सेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा और बच रहा है, फिर हम अगले सेशन की तरफ चलेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। बस इसी तरीके से बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर करते